होटल धौलपुर में काशा एवं समानता का सम्मान फाउंडेशन के स्वयं सेवकों द्वारा 100 जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता एवं हाइजीन किट भारी किए गए इस किट में बांटने में मुख्य अतिथि के रूप में अमित कुमार मित्तल श्रीवास्तव श्री कृष्ण मोहन अग्रवाल एवं कार्य संस्था के गोपीलाल राव एवं मनीषा एक्का आदि विशेष अतिथि के रूप में रहे। कार्यक्रम का संयोजन जानी मानी ट्रांसजेंडर एवं महिला अधिकार कार्यकर्ता देविका और देवेंद्र एप्स मंगला मुखी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में लैंगिक समानता एवं भेदभाव को मिटाने के लिए भी व्याख्यान दिया गया। पूरे कार्यक्रम में 100 से ज्यादा जरूरतमंद दलित विधवा महिलाओं को विकलांग महिलाओं को राशन की व्यवस्था की गई। उनको वित्तीय सहायता एवं हाइजीन किट प्रदान किया गया। काजा नई दिल्ली जो कि सामाजिक सरोकार की एक संस्था है उसके अपार सहयोग से समानता का सम्मान फाउंडेशन के तत्वाधान में जिला स्तर पर सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम में देविका मंगला मुखी हिना खान बसंती सुमन सुनीता अमन रुखसार देवी आदि उपस्थित रहे। प्रथम चरण के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक या नियुक्त पंचायती राज संस्थाओं जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य आम चुनाव 2021 के प्रथम चरण पंचायत समिति धौलपुर एवं राजाखेड़ा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महाप्रबंधक राजस्थान राज्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम नरेंद्र गुप्ता मोबाइल नंबर 9414043200 को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि नियुक्त पर्यवेक्षक के प्रोटोकॉल अधिकारी जेसीटीओ दीपक शर्मा मोबाइल नंबर 9529005758 को नियुक्त किया गया है। विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा कार्यवाहक तहसीलदार को ज्ञापन। सरमथुरा कस्बे में आज पार्षदों एवं आम नागरिकों ने नगरपालिका क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज नगरपालिका ईओ एवं कार्यवाहक तहसीलदार राजकुमार शर्मा को एक ज्ञापन दिया, जिसमें पूर्व में पंचायत प्रशासन के द्वारा बनाए गए सुलभ शौचालयों को चालू करने साफ सफाई एवं निर्मित पार्क आदि की समस्याओं को लेकर अवगत करवाया, जिसमें ईओ ने तुरंत प्रभाव से जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान युवा समाज सेवी मान सिंह चौहान ने कहा कि नगरपालिका के अस्तित्व में आते ही सरमथुरा क्षेत्र में विकास संबंधित कार्य होना विशेष जरूरी है, जिसमें मोहल्लों ने प्रत्येक खंभे पर स्ट्रीट लाइट मेन चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे मार्केटों में पेशाब घर सहित अन्य विकास कार्य प्रारंभ करवाए जाएं, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके, जिस पर सभी ने बात का समर्थन किया। इस दौरान मान सिंह चौहान सोनू चरोरे डॉक्टर प्रवीण योगेश जाधव मसलुद्दीन खान दीपक शर्मा शिवराज मीणा सचिन मीणा सहित अन्य पार्षद एवं आमजन उपस्थित रहे। सरमथुरा से बिजल सोनी की खास रिपोर्ट। करौली एसपी मृदुल कच्छावा के समर्थन में उतरे धौलपुर के सर्व समाज के युवा। टोडा भीम विधायक के आरोपों पर जताया आक्रोश। मुख्यमंत्री एवं डीजीपी के नाम एसडीएम राजाखेड़ा को सौंपा ज्ञापन। करौली एसपी मृदुल कच्छावा के विरोध टोडा भीम विधायक पीआर मीणा द्वारा निजी स्वार्थ के कारण पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर मिथ्या एवं मनगढ़ंत आरोप लगाने के बाद धौलपुर में सर्व समाज के युवाओं ने लोकेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में टोडा भीम विधायक के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए राजाखेड़ा एसडीएम को मुख्यमंत्री राजस्थान एवं डीजीपी राजस्थान के नाम ज्ञापन सौंपा है और जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं करने के मिथ्या एवं मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, जिससे राजाखेड़ा सहित धौलपुर जिले के आमजनों में भारी रोष है। करौली पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा बेहद ईमानदार उदार एवं आमजन के लिए सदैव सरलता से उपलब्ध रहने वाले पुलिस अधिकारी हैं। अपने प्रथम पदस्थापन के दौरान उन्होंने धौलपुर जिले में पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ जिले में बदमाशों का सफाया किया था और आमजनों को राहत भी दिलाई थी। इसी प्रकार करौली जिले में भी नशा अवैध हथियारों इनामी बदमाशों सहित खनन माफियाओं के विरुद्ध उल्लेखनीय कार्यवाही की है। निश्चित तौर पर पुलिस विभाग के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी पर केवल निजी स्वार्थ से ग्रसित होकर मिथ्या आरोप लगाना निंदनीय है, क्योंकि इससे अधिकारी के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस दौरान सोनू पाकुरे अमित शर्मा मनोज राघव रामकिशोर रावंत निशांत राघव धर्मेंद्र वर्मा जीतू राघव नीटू उन्देनी अशोक वर्मा राजकुमार गोल्डी राज चौरसिया तेजपाल लोटन कुशवाहा दुष्यंत कृष्णा गोस्वामी सज्जन खान कल्लू हिमांशु झा राजपाल अशु सविता अभिषेक शिशुपाल सहित अन्य युवा उपस्थित रहे। आज क्या है, राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी महोदय को हमने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन इस संदर्भ में दिया है कि जो करौली में एसपी साहब लगे हैं मृदुल कच्छावा जी, उनके ऊपर एक घटिया मानसिकता के जो राजनेता हैं पीआर मीणा जी, जो टोडा भीम से विधायक हैं, उन्होंने मिथ्या आरोप लगाए हैं। पूरी राजाखेड़ा क्या पूरे धौलपुर और राजस्थान की जनता जानती है कच्छावा जी ने धौलपुर और करौली में कैसा काम किया। तो ये दूषित मानसिकता के लोगों की बोलने की वजह से हम कच्छावा जी को परेशान नहीं होने देंगे। मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। और उन विधायक महोदय को मैं बोलना चाहूँगा कि टॉर्च के दिखाने से सूरज का तेज कम नहीं हो सकता, तो अपनी इस घटिया मानसिकता का परिचय ना दें और पूरी राजस्थान की जनता एसपी साहब के साथ खड़ी है। जय हिंद जय भारत। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड
एवीएम कॉन्वेंट स्कूल आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन नर्सरी से कक्षा 12 तक। नगर पालिका व रेलवे की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ से हटवाया अस्थायी अतिक्रमण। जिला कलेक्टर धौलपुर के आदेश पर क्रमांक 3095 के अनुसार व अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर के निर्देशानुसार सोमवार को सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले दुकानदारों को पालिका टीम व रेलवे की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए हटवाया। इस दौरान पालिका के सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि रेलवे लाइन के दोनों तरफ रेडी ठेल दुकानदारों ने अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था, उसको पालिका व रेलवे की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए हटवाया और लोगों को चेतावनी दी कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति यहां अपनी दुकान नहीं लगाएगा। यदि कोई भी दुकानदार दुकान लगाए हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ माल जब्ती व चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान पालिका के सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, निखिल यादव, जितेंद्र, तपेश बिधूड़ी, अंकित कुमार, रेलवे स्टेशन मास्टर तालेवर, जमादार टीटू, पप्पू साहब सिंह, केशव सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। सफाई को लेकर एक्शन में आए नगरपालिका ईओ मौके पर सफाई कर्मचारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। सर मथुरा कस्बे में आज कार्यवाहक तहसीलदार एवं नगरपालिका ईओ राजकुमार शर्मा एक्शन में दिखे और लोगों की समस्याओं को देखते हुए मौके पर पहुंचे और सफाई कर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए तुरंत कचरा हटाने के सख्त आदेश दिए। मौके पर ही सफाई करवाई, साथ ही लोगों से इधर उधर कचरा न डालने की सख्त हिदायत दी। गौरतलब है नगरपालिका ईओ के द्वारा कस्बे की साफ सफाई एवं अतिक्रमण को लेकर पूर्व में भी लोगों को हिदायत दी जा चुकी है, जिसका कस्बे में काफी हद तक असर देखने को मिल रहा है और कस्बे की अधिकांश गली मोहल्लों में नियमित रूप से सफाई होने से लोगों को बहुत निजात मिल रही है। वहीं कहीं कहीं नालियों नालों के अवरुद्ध होने की वजह से पानी की निकासी नहीं होने से कचरा जमा हो जाता है, जिसको लेकर आज खुद ईओ ने अग्रवाल कॉलोनी, मोटियापुरा मोड़ थाने के पास, बाड़ी बस स्टैंड आदि जगहों पर जाकर जेसीबी मशीन से खुद मौके पर नाले एवं सड़क की सफाई करवाई। साथ ही अग्रवाल कॉलोनी में अवरुद्ध नाले को मशीन से खुदवाकर पुनः नए से नाला निर्माण की नगर पालिका कर्मियों को कहा, जिससे रास्ते में जलभराव की समस्या नहीं हो और नियमित सफाई हो सके। इस दौरान ईओ ने अग्रवाल कॉलोनी, हॉस्पिटल रोड, बाड़ी रोड आदि जगहों पर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से सफाई को लेकर राय भी ली। साथ ही दुकानदारों से कचरा पात्र में ही कचरा डालने की हिदायत दी, जिस पर कस्बे वासियों ने ईओ का धन्यवाद व्यक्त किया। इस दौरान नगर पालिका ईओ राजकुमार शर्मा, छबीले शरद त्रिपाठी, नगर पालिका चेयरमैन जलालुद्दीन खान, मुस्तकीन खान, राजेश दर्शन सहित अन्य कर्मचारी और सफाई कर्मी उपस्थित रहे। सर मथुरा से बिश्नोई सोनी की खास रिपोर्ट। सर मथुरा में सफाई की थोड़ी व्यवस्था कमजोर थी, लेकिन हमारे कर्मचारियों द्वारा बार बार अब बिल्कुल अभियान चलाकर सफाई की जा रही है। इस दीपावली का त्यौहार नजदीक आ रहा है, डेंगू की बीमारी बढ़ रही है, उसको मद्देनजर देखते हुए हमने पूरा प्लान बनाया है सफाई के लिए। उस प्लान के तहत हम सफाई का कार्य जारी रखेंगे और बहुत अच्छी सफाई करेंगे। कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां हम तैयारी करवाते हैं आर्मी, पुलिस, पटवार, रीट, नेवी, टीचर ग्रेड फर्स्ट सेकंड, एनडीए, ग्राम सेवक, एयरफोर्स, बैंक और एसएससी की। और यहाँ हमारे द्वारा अनाथ और विकलांग छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्रवेश के लिए संपर्क करें। टोडा फेम विधायक की तुच्छ मानसिक
अनैतिकता को देख बाड़ी एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। बाड़ी करौली जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छाव पर लगाए जा रहे बेबुनियाद आरोपों पर आज अग्रवाल फाउंडेशन के पदाधिकारी एवं समाज सेवी कान्हा शर्मा बाड़ी ने बाड़ी उपखंड अधिकारी राधे श्याम मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि करौली एसपी का बहुत ही सराहनीयता का परिचय देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक करौली अपने आप में एक अद्भुत छवि के आईपीएस कैडर के अधिकारी हैं, जिन्होंने करौली जिले में तमाम ऑपरेशन चलाकर वहां के आपराधिक घटनाओं पर पूर्ण रूप से अंकुश लगा दिया है। ऐसी उनकी कार्यशैली धौलपुर जिले में भी रही थी, जिससे प्रभावित होकर राजस्थान सरकार के पूर्व खाद्य मंत्री करौली जिले के विधानसभा क्षेत्र के विधायक रमेश मीणा ने उन्हें करौली लगाने की मांग की थी, लेकिन टोटा भीम विधायक पीआर मीणा द्वारा लगाए जा रहे आरोप जो कि बेबुनियाद है। बाड़ी द्वारा पीआर मीणा विधायक द्वारा दिए गए बयान बाजी की कड़े शब्दों में निंदा की गई है, और विधायक पीआर मीणा ने कहा गया कि जनमंच स्थापित कर एसपी कचावा से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, साथ ही मुख्यमंत्री जी से इस मामले की सही जानकारी जुटाने की अपील की गई। ज्ञापन के दौरान अध्यक्ष अंशुल गर्ग, सचिव अशोक कुमार गोयल, उपाध्यक्ष अश्विनी गोयल, रवि मोदी, अमन गर्ग, अतुल कुमार मंगल, समाज सेवी कान्हा शर्मा, पत्रकार शुभम भारद्वाज सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। बाड़ी से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट। 19वीं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद में बाड़ी के अध्यक्ष सूबेदार मेजर मुकेश चंद्र शर्मा का स्वागत किया। बाड़ी 19वीं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राजस्थान की प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जगत रचेता श्री ब्रह्मा महाराज की पावनधरा पुष्कर अजमेर में 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता मेजर जनरल अनुज माथुर साहब ने की। विशिष्ट अतिथि राजस्थान के तीनों प्रांतों के अध्यक्ष ब्रिगेडियर फतेह सिंह, कर्नल टीपी सिंह, कमांडर चंद्रमौली सिंह, चित्तौड़ प्रांत अध्यक्ष कर्नल गोविंद स्वर्णकार, कर्नल जीएएन पनीर साहब, कमांडर बनवारीलाल साहब, कैप्टन उम्मेद सिंह, संगठन मंत्री प्रणव मुखर्जी साहब, सूबेदार मेजर मुकेश चंद्र शर्मा अजमेर जिले की वीर नारियां उपस्थित रही, जिनका सम्मान किया गया। राजस्थान के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, ब्रह्मा मंदिर के पुजारी जी उपस्थित रहे। सभा के दौरान प्रशिक्षण शिविर में ब्रह्मा के मंदिर के पुजारी के द्वारा उद्बोधन दिया गया, जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और पुष्कर की धारा के बारे में विस्तार से जानकारियों से अवगत कराया और अपने जिले की समस्याओं से अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया। बैठक में सभी राजस्थान के पधारे हुए जिला अध्यक्षों का अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अजमेर के पदाधिकारियों द्वारा सम्मान माला सफा और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम का समापन नाजक नायक हाजी रोस्तम खान चीता और पेटी अफसर कृष्ण मुरारी मिश्रा जी के द्वारा किए गए स्वागत राष्ट्रगान से हुआ। बड़े अध्यक्ष सूबेदार मेजर मुकेश चंद्र शर्मा का स्वागत किया गया। अंत में अजमेर इकाई के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी मिश्रा के द्वारा पधारे हुए सभी वीर नारियों अतिथियों का आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया। बड़े से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट। बारिश से तापमान में आई गिरावट। सरमथुरा उपखंड में कल देर रात हुई बारिश एवं आज हुई बूंदाबांदी से मौसम में गिरावट आई है। पूरे दिन मौसम ठंडा रहा, साथ ही किसान चिंतित नजर आए, क्योंकि किसान पहले से ही खाद यूरिया की समस्या से जूझ रहे हैं और रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। साथ ही किसानों ने बताया कि अधिकांश किसानों की बाजरे की फसल कट गई है और खलिहानों में डली हुई है, जिससे बारिश में भीगने की वजह से बाजरे में नुकसान होने की संभावना है। वहीं खेतों में इस टाइम सरसों की भी बुआई चालू है, जिससे सरसों में भी नुकसान होने की बात कही। सरमथुरा से बिश्नो सोनी की खास रिपोर्ट। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।